से एबीएमडी 2009 के अंदर पूछा गया था, कंपेयर टू आवर ब्लड आवर लिम्फ हैज, यानी कि अगर हम ब्लड को कंपेयर करें लिम्फ से तो लिम्फ के अंदर क्या होगा। तो बेसिकली आपका लिम्फ होता है, इसके अंदर आरबीसीज एब्सेंट होते हैं, प्लेटलेट्स का नंबर स्लाइटली हाई होता है और डब्ल्यूबीसीज बहुत बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू योर ब्लड, यानी आपके ब्लड के कंपैरिजन में जो लिम्फ है उसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपका लिम्फ है इसके अंदर भी सभी तरह के कोएगुलेटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और कोएगुलेटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होने के कारण ही जो आपका लिम्फ है ये भी जम सकता है। इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा मोर डब्ल्यूबीसीज एंड नो आरबीसीज। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स ये एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा लिखा हुआ है नो प्लाज्मा। तो बेसिकली प्लाज्मा का मतलब होता है आपका लिक्विड पार्ट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी फ्लूड बिना लिक्विड के एग्जिस्ट कर सके। लास्ट दिया हुआ है मोर आरबीसीज एंड लेस डब्ल्यूबीसीज, तो ये बिल्कुल गलत है जैसा कि मैं बता चुका हूँ। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4।